रेनू गुसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे फेवरेट पनीर एपेटाइजर, जिसको कहते हैं पनीर टिक्का। लेकिन अक्सर ये सोचा जाता है कि पनीर टिक्का बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं और तंदूर भी कहाँ से हो या बारबेक्यू भी कैसे किया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल सेम फ्लेवर में, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से बिल्कुल रोस्टेड पनीर टिक्का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर लिया है, जो अप्रोक्सीमेटली 4 लोगों के बीच में सफिशेंट है सर्व करने के लिए। इसके साथ ही मैंने वेजिटेबल्स में कटे हुए प्याज इस तरह से क्यूब्स की तरह, और तीनों तरह की शिमला मिर्च, लाल, पीली और हरी, तीनों प्रकार की शिमला मिर्च यहाँ पर मैंने कैप्सिकम दी है। और सूखे मसालों के अंदर मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने रोस्ट किया है, उससे इसका फ्लेवर बहुत अधिक एनहांस हो जाता है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन भून कर लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है, 2 चम्मच मैंने जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची की पेस्ट ली है, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1/2 चम्मच फ्रेश क्रश्ड जो है कोर्सली क्रश्ड काली मिर्ची ली है, यहाँ पर नमक लिया है, इसको हमने 2 जगह पर यूज करना है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 चम्मच है, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने देगी मिर्च ली है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है। और इसके साथ ही जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ पर मैंने ली है हांकड़। इसको मैंने 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में नीचे जाली रख कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकाल कर उसको बिल्कुल टाइट जो है यहाँ पर बना लिया है, क्योंकि हमने मैरिनेट करना है, तो जितना पानी कम होगा उतनी अच्छी मैरिनेशन होगी। फ्रेश पनीर को भी हमने, क्योंकि पानी में रखा हुआ था, पानी से निकाल कर यहाँ पर मैंने कॉटन के कपड़े पर रखा है, लेकिन फिर भी हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पनीर को एक कांच के इस बाउल में डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, और साथ ही इसके ऊपर 1/2 नींबू यहाँ पर मैंने लिया है, उसको इसके ऊपर डाल देंगे, पनीर के ऊपर डालेंगे। और उसको हम टॉस करके एक साइड पर रख देंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए मैं हंकर्ड के अंदर सबसे पहले जो रोस्टेड कसूरी मेथी है उसको हाफ से मसल कर इसके अंदर डालूंगी, उसके साथ यहाँ पर अजवाइन को भी थोड़ा सा हाथ से मसलेंगे, उससे इसकी खुशबू जो है वो तेज हो जाती है। अब हम यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की जो पेस्ट है उसको हम यहाँ डालेंगे, उसके साथ ही भुना हुआ जीरा है, काली मिर्ची 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा काला नमक, ये टेस्ट को बहुत एनहांस करता है, और किसी तरह का कलर हम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्ची ली है, और साथ ही हम यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक लेंगे, और साथ ही 2 चम्मच जो मैंने यहाँ पर ये बेसन भून कर लिया था उसको हम डालेंगे, और उसको अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स करेंगे बिल्कुल, ताकि कोई भी लंप जो है वो ना रहे। मैरिनेशन हमारी मिक्स हो गई है, अब हम इसके अंदर 1/2 कटा हुआ नींबू का रस जो है इसके अंदर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही हम एकदम धुएंदार गरम सरसों का तेल इसके अंदर 2 चम्मच हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। मैरिनेशन हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इस टाइम आप नमक चेक कर ले, अगर आपको कहीं नमक कम लगे तो इस समय आप नमक को मिक्स कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पर पनीर को नमक
और लाल मिर्ची लगाकर और नींबू लगाकर रखा था। एक तो इससे क्या है, इसके अंदर नमक जो है अंदर तक चला जाएगा, फीका नहीं लगेगा। दूसरा जो है, अगर जिस जो इसका और भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, जो हमारे को मैरिनेशन में इसके जो मसाला है वो इसके ऊपर से नहीं उतरेगा। अब हम हल्के हाथ से यहाँ पर पनीर उठाएंगे, और हाथ से ही, क्योंकि अदरवाइज ये टूट जाएगा, इसको हम हल्के हाथ से यहाँ पर इस बाउल में डालेंगे। और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर ये सब्जियां काट के रखी हुई हैं, इन सबको भी इसके अंदर डाल दें। और हाथ से, हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से कोट करेंगे कि हमारा पनीर जो है वो टूटना नहीं चाहिए, और सारे पनीर और सब्जियों को अच्छी तरह से हम कोट करेंगे। पनीर और सब्जियों को हमने मसाले में अच्छी तरह से ये मिक्स कर दिया है। अब हम 15 मिनट के लिए इसको ढककर मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब इसको किस तरह से डालना है, हम सबसे पहले ये उल्टी तरफ से जो हार्ड वेजिटेबल है उसको इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्याज को ले लेंगे। अब हम इसके अंदर पनीर, क्योंकि पनीर बहुत नाजुक है तो इसलिए इसको हम बीच में रखेंगे ताकि वेजिटेबल उसको सपोर्ट करे। थोड़ा थोड़ा सा, जरा जरा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे। पनीर टिक्का की सारी स्क्वेयर्स हमने यहां पर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको ग्रिल करेंगे। यहां पर मैंने ग्रिल पैन और दूसरा नॉन स्टिक पैन दोनों लिया है, तो हम दोनों के अंदर हम पनीर टिक्का बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रिल पैन के अंदर ये रखेंगे। अब बिल्कुल तेल, सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। इस बात का ध्यान रखें कि सरसों का तेल पूरा जला हुआ हो, कच्चा नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक साइड से कैसे रोस्ट हो रही है। अब हम इसको चारों तरफ से इसी तरह से आराम से उठा उठा कर रोस्ट करेंगे। सारी सीखों को आपने इसी तरह से हिलाते हुए, धीरे धीरे बड़े प्यार से घुमाते हुए इनको हमने चारों तरफ से सेकना है, और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से पनीर जो है मुलायम रहेगा बिल्कुल। तो दोनों पैन के अंदर हमारी ऑलमोस्ट देखिए तैयार हो गई है, रोस्ट हो चुके हैं बिल्कुल। देखिए किस तरह से ये तंदूर में जिस तरह से रोस्ट होता है वैसे हो गया है। ऊपर से कितना क्रंची है ये देखिए, और अंदर से कितना पनीर कितना मुलायम है। ये पनीर टिक्के की मेन पहचान है कि ऊपर से क्रंची और अंदर से ये बिल्कुल नरम होना चाहिए। पनीर टिक्का हमारा देखिए कैसे तैयार हो गया है, इतना सुंदर कलर आया है और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी तेज है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और इसको तंदूरी फ्लेवर देना है तो उसको हम यहाँ पर ये एक पैन रखेंगे। इसमें हमने कच्ची जो सीख है वो नहीं, तैयार होने के बाद हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट फ्लेम इस तरह से हाथ से पकड़ कर दे सकते हैं। अभी हम इसको और भी तंदूरी और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने एक कच्चा कोयला जो है यहाँ रख लिया है। इसको यहाँ गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। कोयला देखिए हमारा बिल्कुल ये गर्म हो गया है। अब कोयले को हम अंदर यहाँ पर इसके अंदर एक हमने कटोरी रखी हुई है इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम देसी घी डालेंगे और इसको हम हल्का सा यहाँ ढक देंगे। बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं ढकना कि बहुत ज्यादा धुआं होगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट हल्का सा हम यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर लेंगे। और अब ये हमारा प्लेटिंग के लिए तैयार है।
देखिए कितना लजीज, कितना खुशबूदार ये हमारा फर्स्ट क्लास ग्रिल्ड जो है पैन हमारा पनीर टिक्का तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पर हमने बिल्कुल मक्खन के अंदर थोड़ी थोड़ी कसूरी मेथी है इसको डालेंगे, क्योंकि बिना बटर के पनीर टिक्के में वो बात आएगी नहीं। तो थोड़ा सा तो इसको मक्खन लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको बटर लगाएंगे और सब पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसको सर्व कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशल चटनी, ये हमारी टमाटर लहसुन और लाल मिर्ची की स्पेशल देसी घी में बनी हुई चटनी है, जो मैंने इसके साथ सर्व करने के लिए स्पेशल डिप बनाया है। और दूसरी है हमारी पुदीने और दही की चटनी, और उसके बाद ये है हमारा थोड़ा सा चाट मसाला, ये इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा डाल देंगे और अब ये हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। ये तैयार है हमारा सुपर सॉफ्ट फ्लेवरफुल पनीर टिक्का। इसके अंदर हर मसाले की खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो ओवर पावर कर जाए, और इतना अंदर से ऊपर से देखिए कितना क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ये इस तरह से मुंह में घुलने वाला ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप भी इसको बनाइएगा, आपको बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और घर के अंदर आराम से आप उसका टेस्ट लीजिएगा। और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।